डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। अब उसकी एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई समांतर श्रेणी के एपी के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। जिसमें प्रथम पद ए तथा सार अंतर डी है। सार अंतर डी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, ए इज इक्वल टू टेन और डी इज इक्वल टू टेन। सेकंड पार्ट, ए इज इक्वल टू माइनस टू, डी इज इक्वल टू टू। क्वेश्चन नंबर ए इज इक्वल टू टेन और डी इज इक्वल टू टेन। एपी बनाने के लिए पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी, चौथा पद ए प्लस थ्री डी। जहां पहला पद ए वन, दूसरा पद ए टू, तीसरा पद ए थ्री, चौथा पद ए थ्री फोर होता है। इसी प्रकार हम इसके वैल्यू रखेंगे। ए की जगह रखेंगे 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 गुणा 10, 10 प्लस 3 गुणा 10। प्रथम पद हमारा होगा 10, दूसरा पद होगा 20, तीसरा पद 10 प्लस 20, अगला पद होगा 10 प्लस 30। पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, अगला पद 40। तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी एपी 10, 20, 30, 40। तो इसके प्रथम चार पद हम ज्ञात कर चुके हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट, ए इज इक्वल टू माइनस टू और डी इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट प्रथम पद होगा ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी, चौथा पद ए प्लस थ्री। अब वैल्यू रखेंगे इसमें, ए का वैल्यू है माइनस के टू, माइनस टू प्लस जीरो डी वैल्यू, माइनस टू प्लस टू इंटू जीरो, माइनस टू प्लस थ्री इंटू जीरो, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू प्लस जीरो, माइनस टू प्लस जीरो। तो हमारी समांतर श्रेणी जो बनेगी, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू और माइनस के टू। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हैं। अब होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ए इज इक्वल टू फोर और डी इज इक्वल टू माइनस थ्री, ए इज इक्वल टू फाइव और डी इज इक्वल टू थ्री। एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे। दी गई समांतर श्रेणी एपी के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए, जिसमें प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10। चार पद ज्ञात करने के लिए पहला पद हमारा ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस टू डी, चौथा पद होगा ए प्लस थ्री डी, इसी प्रकार अगला पद होता है ए प्लस फोर डी। ए का मान हमारे पास 10, ए 10, डी 10, ए 10 प्लस 2 गुणा 10, ए 10 3 गुणा 10, 10 20, 10 प्लस 20, 10 प्लस 30। पहला पद होगा समांतर श्रेणी का 10,
दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। अतः हमारी समांतर श्रेणी होगी 10, 20, 30 और 40। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट a = -2 और d = 0। पहला पद a, दूसरा a + d, a + 2d, a + 3d, -2 - 2 + 0, -2 + 2 × 0 = 0, -2 + 3 × 0 = 0। पहला पद -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, चौथा भी -2। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हैं। होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन आपको और सॉल्व करने हैं।